दरगाह कमेटी सदर अमीन पठान ने खादिम जुल्फिकार चिश्ती पर उन्हें जान से मारने की धमकी का आरोप लगाते हुए अजमेर दरगाह थाने में मामला दर्ज करवाया है। सदर अमीन पठान ने आज एक प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि दो दिन पहले दरगाह कमेटी की मीटिंग हो रही थी, तभी खादिम जुल्फिकार चिश्ती वहां पहुंचा और कमेटी के कर्मचारियों से गाली गलौज करते हुए उनके साथ बदतमीजी की तथा कमेटी सदर अमीन पठान को देख लेने और वह जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने बताया कि दरगाह कमेटी दरगाह के विकास को लेकर लगातार नए नए कदम उठा रही है, जिसको लेकर खादिम हमेशा विरोध करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि खादिम जुल्फिकार चिश्ती ने हमेशा से ही कमेटी के फैसलों का विरोध किया है और उन्हें अपशब्द कहते हुए माहौल खराब करने की कोशिश में रहता है। पठान ने इस मामले को लेकर कमेटी की ओर से दरगाह थाना पुलिस में मामला दर्ज कराया है। परसों शाम को हमारे जो कर्मचारी थे उनके पास जुल्फिकार चिश्ती नाम का व्यक्ति आया, जो कि खादिम है, और आके उसने एक ज्ञापन के तौर पे एक कागज़ दिया। उसके बाद वहाँ पे हमारे कर्मचारियों के साथ जो दरगाह के जो का जो स्टाफ है उसके साथ बदतमीजी की, अभद्र गालियाँ दी और ये कहा कि तुम्हारे सदर को हम देख लेंगे और देखते हैं कि वो यहाँ पर कैसे काम करता है, अगर यहाँ आएगा तो यहाँ पर हमसे कोई जीत नहीं सकता है, और जान से मारने की धमकी दी, गालियाँ दी, बदतमीजी की, स्टाफ के साथ भी बदतमीजी की। उन्होंने समझाने की कोशिश की तो लड़ने पे उतारू हो गए, और उसके बाद वहाँ पे जो शाहनवाज जिससे शाहनवाज थे उसके बाद ये वहाँ से जो हमारे जो ऑफिस है हमारा जो के दरगाह गेस्ट हाउस का वहाँ पर भी आए। वहाँ हमारे असिस्टेंट नाजिम थे शादाब और भी लोग थे, तो उनसे भी आके इन्होंने वही बातें की और बोले मैं देख लूँगा और मैं ऐसा कर दूंगा, बदतमीजियाँ की, अभद्र गालियाँ दी और फिर कहा कि अब देखते हैं कि उनको कौन बचाता है और गालियाँ की। और उसके बाद जब देखा कि वहाँ पूरे कर्मचारी थे, बहुत सारे लोग आ गए, तो वो वहाँ से वापस चले गए। मैं ऑफिस के अंदर ही था, मुझे बाद में पता लगा, हो सकता है कि अगर वो आते कोई बात हो जाती तो हमने पुलिस में कंप्लेंट दी, क्योंकि वो लगातार इस तरह की घटना मतलब वारदात को अंजाम दे रहे, लगातार वो आते कर्मचारियों को धमकाते, गालियां देते, बदतमीजियां करते, तो कर्मचारियों के अंदर एक डर का माहौल है। इसलिए हमने कल एक मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज कराया ताकि आने वाले फ्यूचर में इस तरह की कोई घटना नहीं हो। और वो दरगाह पूरी कमेटी को बदनाम करने की लगातार कोशिश कर रहे, कभी मंत्रालय में लेटर लिखते हैं, और उनका मकसद वो ब्लैकमेल करना चाहते हैं, झगड़ा करना चाहते हैं या हमारे साथ कुछ और घटना करना चाहते हैं, इसका हमें कोई इल्म नहीं है। लेकिन बड़ी, क्योंकि हम ये जो दरगाह कमेटी ये काम करना चाहती है दरगाह के डेवलपमेंट के लिए, लेकिन ये लगातार रुकावट पैदा कर रहे हैं। हम यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट लाए उसका लगातार विरोध करते हैं, स्कूल को का एफिलेशन कैंसिल कराने की बात करते हैं, टॉयलेट नहीं बनने दे रहे, जो भी दरगाह के लिए हम काम करते हैं उसमें लगातार रुकावटें पैदा कर रहे हैं। और उसके बाद लड़ाई झगड़ा पे उतारू है, मारने की धमकी देते हैं, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए, तो और कर्मचारियों के साथ जो कि सरकारी कर्मचारी हैं, भारत सरकार के अधीन आते हैं, उनके साथ गालियां देना, बदतमीजी करना, लगातार मारपीट करना, ऐसी घटना, इसका इसका कुछ इल्म नहीं है कि वो इस तरह की क्यों घटना कर रहे। जैसे उनका इतिहास पता लगा कि वो लगातार जो भी दरगाह कमेटी आई उनको परेशान करते थे और हमको भी शायद उसी लिए कर रहे या पर्सनल क्यों कर रहे हैं, मुझे उसकी जानकारी। उनके साथ और भी जुड़े हुए हैं? हाँ बिल्कुल, जुल्फिकार चिश्ती है, मुनव्वर काजी है, पीर नफीस है, ये दो तीन लोग हैं, ये लगातार लेटरबाजी करते हैं, लगातार प्रेशर करते हैं, लगातार हमारे जो एम्प्लॉयज है उनके साथ बदतमीजी करते हैं। आपको भी धमकी दी क्या? पर बिल्कुल, मेरे लिए वहाँ सबके सामने बोल के गए, बोले उसको पहले भी दी थी, मैंने पहले भी एक कंप्लेन दी थी कि इनसे जान का खतरा है, ये बोलते हैं कि अजमेर में आके देख ले, अगर मेरे को चेयरमैन के नाते मुझे दरगाह पे आना पड़ेगा, अजमेर में आना पड़ेगा। और कल जब इन्होंने परसों जब ये आए तो जो जुल्फिकार चिश्ती, तो उन्होंने बहुत अभद्र गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी कि कौन बचाएगा तुम्हारे सदर को, मैं देख लूंगा। थाना दरगाह थाना के अंदर मुकदमा दर्ज कराया। मामले को गंभीरता से लेते हुए दरगाह थाना पुलिस ने दरगाह कमेटी सदर अमीन पठान की शिकायत पर राज्य कार्य में मामला दर्ज कर लिया है, जिसकी जाँच की जा रही है। कल दरगाह कमेटी के नाजिम साहब, दरगाह के सहायक नाजिम व कार्यालय अधीक्षक ने थाने को उपस्थित होकर एक रिपोर्ट पेश की थी कि साहब 6 तारीख को शाम को जुल्फिकार चिश्ती इनके कार्यालय पे आया और उनके काफ़ी कार्यालय कर्मचारियों को धमकाया, गाड़ी की लोच की, उनके अध्यक्ष के संबंध में भी गलत शब्द काम में लिए, उनके संबंध में भी धमकी दी, इस तरह की रिपोर्ट पेश की थी। इस पर
राहत कार्य बाधा वगैरह के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है, तो उसका अनुसंधान किया जाएगा।